भीलवाड़ा में मूकबधिर नाबालिग को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एबीवीपी ने ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान के अलवर जिले में शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में तिजारा फाटक पुलिया पर नाबालिग मूकबधिर बहन के साथ हेवानियत हुई, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। राजस्थान में बढ़ते बलात्कार गैंगरेप जैसी घटनाओं के कई आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, इस कारण से इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। राजस्थान सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम हुई है। वर्तमान में राजस्थान बलात्कार जैसी घटनाओं में पहले स्थान पर है। इससे प्रदेश के प्रत्येक आमजन में भय व्याप्त है कि आरोपियों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। अलवर जिले में 16 वर्षीय बहन के साथ जो हिरासत हुई है, राजस्थान के अंदर इसे हिरासत को लेकर एक खलबली मच चुकी है। पुलिस प्रशासन को दो दिन हो चुके, दो दिन के बाद ही पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। राजस्थान सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जयपुर से पुलिस प्रशासन को अलवर जिले में लगाया गया तो भी पुलिस प्रशासन के हाथ पूरी तरीके से खाली है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के पास ही युवती को रात्रि 8 बजे के समय सड़क किनारे फेंक दिया गया। गहलोत सरकार सो रही है ऐसी कमरों में बैठकर आराम से। गहलोत सरकार के साथ कहना चाहता हूँ कि छात्र शक्ति जब सड़कों पर उतर गई तो अचीति सरकार ही बदल देगी। वंदे मातरम। आज आपने क्या किया है? आज अपने राज्यपाल मोदी को भिलवाड़ा जिला कलेक्टर मोदी के माध्यम से राज्यपाल मोदी को ज्ञापन देकर उनके विद्यार्थी परिषद का संदेश पहुँचाया है। क्या मांग की है? क्या मांगी है? गिरफ्तारी की जाए जल्दी सर। छात्र संगठन द्वारा विधानसभा घेराव किया जाएगा और पूरे राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। शुभ नाम सूर्यदेव से महानगर सहमंत्री जोड़ा IBP।